कृषि विभाग रामपुर नैकिन के संरक्षण के द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है, किसानों को नकली खाद प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि एक ऐसा मामला सामने आया है जो सबको हैरान कर देने वाला था। जहां पर भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी खेती को यहां पर ज़्यादा महत्व दी जाती है, लेकिन देखिए किस प्रकार से रामपुर नैकिन के क्या हालात हैं कि यहां पर किसानों को और गरीबों से लूटा जा रहा है। देखिए चारों तरफ आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर DAP और यूरिया के नाम पर यहाँ से किसानों से लूट की जा रही है। आपको बता दें कि जो यूरिया 200-300 रुपए DAP मिलती है, यूरिया DAP उन खादों को 1300-1400 रुपए में रेट में बेचते हैं, लेकिन यह कृषि विभाग के अधिकारी के सामने जब उसको इस बात पर रखा गया तो कृषि विभाग इस बात से अनजान दिखाई दिए और कोई भी कार्रवाई नहीं किया। ये सुनते हैं पूरा मामला। हम ऊपर खाते इनका दे रहे हैं 200 रुपये बोरी तो नहीं लिखे साढ़े पाँच सौ ले, लेकिन DAP नहीं, ये सुपर फास्फेट हो गया। सुपर फास्फेट अपना हाथ से खोल ले दाने वाली, यूपी के माल है टोटल, नहीं डस्ट नहीं दाने उदार में आवत है, दाने दर्द है चुनाव आवत है भाई। पाँच कुल मिला के कहा, मतलब यह है रमेश भैया कि किसान के खून न पिया, ठीक है। DAP दे के तू 13 की जगह 13.5 ले लेना, टोटल पर DAP पहुँचे हो खेत में, यह कहा है भगवान मालिक है के अलावा देखा बुरा तो माना भैया तो खोल लेगा ले ना। देखिए यही यह देखिए पाथर माटी तो हम दिखाए देखे माटी कैसा ये भी फूटा थी ये हाथ में अपना दबाव यह देखी राख खा के ना हो यह देखी माटी माटी में यूमिक के कोड आ तीन का है 600 रुपया कीमत तो माटी नेट में 1300 रुपये एक बोरी तुम लिख के दीजिए बताइए। अरे शर्मा जी है